तो अगर आप भी अब्रम ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस, की रेटिंग के बारे में। तो इस को और तो गूगल कि यूजर्स ने भी दोस्तों को नाइनटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

तारीख का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृति भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन सुल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना की मदद से सामने आती है। जिसका भी लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल

तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और माकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 जनवरी 2024 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी अब्रम ओजलर जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मिथुन मेनअल थोम्स जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को बासठ परसेंट तक फ्रेज बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बारे में इस मूवी में, में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्रायम के ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो ब्रह्म और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेग जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेग की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम अम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनश्वेरा राजन आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान है, जगदीश है, अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग है अब बात कर लेते हैं ये आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आपको डिजनी प्लस पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको डिजनी प्लस पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस ऑटो स्टार पर जाकर इंजॉय

कोल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावीद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना की मदद से सामने आती है, जिसका भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर पर आज की जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और माकेदारी रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 जनवरी 2024 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी अब्रम ओजलर जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मिथुन मेनुअल थोम्स जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को बासठ परसेंट तक फ्रेश बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनश ने आर्य सलीम ने अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजु कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कोई

एक फर्जी पुलिस कोल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई कोर दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेशे में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है की कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना कृष्ण की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको ये एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा प्लस पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रेमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेशे में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति से का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे, जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफ़ीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने। बनेगेंडर की योजना तो की भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा प्लस पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिच तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 जनवरी 2024 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी अबरम ओजलर जो कि काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मिथुन मेनुअल थोम्स जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और रोटन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को बासठ तक फ्रेश बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो ज़रूर से ज़रूर ये करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस और स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम में ओजलर का जीवन है। तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नफीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है की दास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावीद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफ़ीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना तो लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर प्लस पर और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस, की रेटिंग के बारे में। तो इस को और तो गूगल कि यूजर्स ने भी दोस्तों को नाइनटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृति भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन सुल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है एक जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना की मदद से सामने आती है। जिसका भी लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल

तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और माकेदारी रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 जनवरी 2024 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी अब्रम ओजलर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मिथुन मेनअल थोम्स जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और रोटन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को बासठ तक फ्रेश बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्रायम के ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो ब्रह्म और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आप... आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेग उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेग की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम अम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनश्रा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर लेवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावीद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर पर आज की जरूर और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस को और तो गूगल कि यूजर्स ने भी दोस्तों को नाइनटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनश्रा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल कीजिएगा तो दोस्तों की, तो की कुल टाइम ले घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं पन ये कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर, पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी पी अब्राहम है ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कोल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे, जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने। जेंडर की योजना कृष्ण की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको ये एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा प्लस पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई आई सीजो को दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आज ए, 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने अलेक्जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस होटस्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों लिए नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय जय तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर, पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस और स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम में ओजलर का जीवन है। तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नफीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है की कि दास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावीद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफ़ीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना तो लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर प्लस पर और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रम ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस, की रेटिंग के बारे में। तो इस को और तो गूगल कि यूजर्स ने भी दोस्तों को नाइनटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृति भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम फिर रूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेक उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेक की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका बागे भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कीजिएगा एक बार तो जरूर जरूर से अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्रायम के ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो ब्रह्म और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेग उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेग की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम अम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को बासठ परसेंट तक फ्रेस बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम मामूटी अनश ने आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजु कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कोई टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक की इतनी टाइम बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको ये मूवी काफी टेस्टिंग लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस

के फर्जी पुलिस कॉल ने उसे लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेग्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने अलेक्जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस को और तो गूगल कि 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 यूजर्स ने भी दोस्तों को नाइनटी फाइव परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस कि तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनश्रा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल कीजिएगा तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी तो दोस्तों पर, पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी पी अब्राहम है ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कोल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेशे में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज आजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने अलेक्जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोर्ट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रेमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम ए ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने सीजो, दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेशे में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने ले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता-पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है लेजेंडर जावी शिवकुमार और फेलवराजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावेद द्वारा असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका की, का बने। की के मदद मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी

तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर, पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने कोर दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है की दास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वाराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावीद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफ़ीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी

भी मिस मत कीजिएगा कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर प्लस पर जरूर से और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रम ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम ए ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृति भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता-पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है लेजेंडर जावी शिवकुमार और फेलवराजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋष्या को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका प्रेमिकाजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना की मदद से सामने आती है है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी

तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये

वाली तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉट पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है ए सी पी में ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो ब्रह्म और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेस्य में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आजी 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेग उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेग की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम अम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनश्रा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के, के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर, पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने

मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेग्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने अलेक्जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह्म ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनश्रा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस

ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको प्लस पर देखने को मिलने वाली है जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको प्लस पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस होटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एसआई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेशे में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे, जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी कर सकता लेकिन दोस्तों काफी है। आपको ये एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी का पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा प्लस पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद तो अगर आप भी अब्राहम ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्राहम ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस स्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम ए ओजलर का जीवन तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधीनस्थ्य एस आई कोर दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आप... आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आज ए, 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सूजा की मौत का कारण बने अलेक्जेंडर की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका भाग्य भी साजिशकर्ताओं के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा डिजी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों लिए नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय जय तो अगर आप भी अब्रह्म ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और

आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामूटी अनशेरा राजन है आर्य सलीम अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है अब बात कर लेते हैं कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को डिजनी प्लस पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली

का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृत्यु भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एसआई कोर दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में संयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णनंदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णनंदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था है, वे एक सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेगजेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वराज 1989 में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र जावेद द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफ़ीली दवाएं देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है अलेक्जेंडर उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी

भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर प्लस पर और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों तो अगर आप भी अब्रम ओजलर मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब्रह ओजलर मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और माकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 जनवरी 2024 में रिलीज की गई थ्रिलर एंड क्राइम मूवी अब्रम ओजलर जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको मूवी एक बार तो जरू से जरूर ज़रूर से करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम का काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों मिथुन मेनुअल थोम्स जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को बासठ तक फ्रेज बताया है तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 95 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर यह करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि जया राम है मामुट्टी अनशेरा राजन आर्य सलीमे अर्जुन अशोकन दिलेश पोथान जगदीश अर्जुन नंद कुमार अंजू कुरियन आदि कई बड़े कलाकार इस में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चौबीस मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको

लिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर जी हां दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है एसीपी अब्राहम ए ओजलर का जीवन है तब बिखर गया जब एक फर्जी पुलिस कॉल ने उसे बहका लिया जिससे उसकी पत्नी अनीसा और बेटी की क्रूर मौत हो गई मुख्य अपराधी विनीति जो नशीले पदार्थ के मामले में ओजलर की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहता है ओजलर अनीसा और उसकी बेटी की मौत के बारे में परेशान हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए संघर्ष करता है तीन साल बाद ओजलर जो मृति भ्रम और अनिद्रा से ग्रस्त है अपने अधिन एस आई और दिव्या के साथ हत्याओं की एक श्रृंखला की जांच करता है दो हत्यारे एक ही पिकअप ट्रक चला रहा था और दूसरा खुद को सर्जन बता रहा था अपराध स्थल पर रेश में नोट छोड़े गए जैसे जैसे टीम कनेक्शन फूल जाती है उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में कीर्ति में स्वयंत्र का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति कृष्णदास का पता चलता है उन्हें यह भी पता चलता है कि कृष्णदास जो एक समय प्रतिभाशाली बालक था वे एक असफल सर्जरी में अपनी आवाज खो दी थी अतीत में जागते हुए ओजलर को पीड़ित के माता पिता के बीच एक साझा इतिहास का पता चलता है अलेक्जेंडर जावी शिव कुमार और सेल्वर आज में कोजिकोड मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल मेडिकल छात्र थे जावी द्वारा आयोजित एक असफल सर्जरी से प्रेरित पेशेवर ऋषा को व्यक्तिगत प्रतिश्रोत के कारण ऐसा हुआ घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम फिर रूप कृष्णदास को अपनी आवाज खोनी पड़ी जटिल बदला लेने की योजना में दुर्घटना को छुपाना नफीली दवाई देना और झूठे आरोप शामिल थे हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है एलेक उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी प्रेमिका सोजा की मौत का कारण बने एलेक की योजना कृष्णदास की मदद से सामने आती है जिसका बागे भी साजिशकर्ता के कारण समान होता है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजिनी प्लस फोट स्टार पर जाकर दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों लिए नई और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय जय